गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। और हमने इसके पहले लेवल वन और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस बच गए हैं। और ये चैप्टर कौन सा है, क्लास एट का, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। सो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, क्या है, इफ क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 देन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स क्या होगा, बराबर वाट, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक चीज आप जानो कि अब हम आपको इसको सवाल को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, सब कोई अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सिंपल सा अप्रोच फॉलो करूंगा, क्या कि a माइनस b क्या होता है, रूट अंडर a प्लस b टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। यह पढ़े हो, a माइनस b इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस मैं मॉड लगा देता हूँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो। और फिर इसी का जस्ट हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab। अरे सब समझ में, a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, और मॉड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब भी स्क्वायरिंग इससे हटेगा कोई चीज तो प्लस माइनस में आता है। इसको मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं इसके लिए एक्सक्लूसिवली आपके लिए रखा हूँ, तो लेकिन फिर भी अभी केवल इसको रहने दो कि a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगर हम ध्यान से सुनना, अगर हम क्यूब रूट ऑफ एक्स को a मान लेते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो और 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है, दिख रहा है, ये a माइनस बी है और हमको क्या निकालना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर क्या होता है, हमको रूट अंडर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab। आ रही बात समझ में, तो हम इसी अप्रोच को करेंगे कि अगर हमको क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो सबसे पहले इसको ए माइनस बी निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो चीज है मैं इस चीज को इसे लिख लेता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये क्या है, मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, ठीक है, एक जब मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तभी तो ये क्यूब रूट हटेगा। ध्यान देना, क्यूब जो है वो क्यूब रूट को खा जाता है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को खा जाता है। तो दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब चूंकि क्यूब किए हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये क्यूब रूट कहाँ गया, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ठीक है, ऐसे दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, दिख रहा है, दोनों तरफ क्यूब कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा, ये चीज सॉरी दिख ही नहीं रहा होगा, ये आ जाएगा क्यूब करने के बाद, 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यही तो a प्लस बी आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्यूब ऑफ x को क्या माना था, a माना था, और क्यूब रूट 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x को क्या माना था, b माना था, तो a प्लस बी 8 बाई 3 हो गया। और ये कहां से आया, तो हमने इस दोनों को क्यूब कर दिया ऐसे करके, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत है, तो ये क्यूब क्या करेगा, क्यूब रूट को खा जाएगा, ये हट जाएगा, तो केवल 3 इंटू क्यूब ऑफ x माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, आई एम सॉरी, माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर 8। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 8 बाई 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो ये a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी 8 बाई 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 में क्यूब रूट ऑफ एक्स का ही वैल्यू चाहिए, और मैंने कहा था कि a प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी 8 बाई 3 है, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 64 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी कितना है, 8 बाई 3 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, ये 64 बाई 9 हो जाएगा, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर करेंगे तो 64 बाई 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे प्लस 4ab, तो 4 टाइम्स a कितना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स और 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बहुत इसीलिए ऐसा दिया हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 64 बाई 9
ठीक है, प्लस फोर। ओके, तो अब अंतिम स्टेप है, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स है प्लस वन बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 9 चौके 36, 9 4 36 और 36 प्लस 64 100 आएगा, तो 100 अपॉन 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन राइट 100 वन। लेकिन एक स्टेप आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10/3 हो जाएगा, प्लस माइनस 10/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल 10/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब जब भी बाहर निकलेगा गाइस तो प्लस माइनस 10/3 निकलेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अंदर का वैल्यू -10/-3 हो जाए, तो माइनस माइनस कैंसिल तो 10/3 ही आएगा, तो इसलिए हमेशा प्लस माइनस 10/3 लिखना। ऐसे केवल 10/3 लिखोगे तो आंसर तो होगा, बट माइनस में भी होगा ना, -10/-3 ये भी तो हो सकता है, ठीक है, -10/-3 भी तो हो सकता है, ये चीज समझना है ये। लेकिन केवल -10/3 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि फिर तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जब भी रूट के अंदर केवल माइनस कोई नंबर आ जाता है तो कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो ये तो हो सकता है। तो अभी केवल तुम माइनस छोड़ दो, केवल +10/3 देखो आप, क्योंकि कोई गलत इसका निकाल सकता है मीनिंग, वो देखेगा कि अरे -10/3 आपने लिखा है रूट के अंदर, तो फिर तो कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, नहीं -10/-3 हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 10/3 लिखोगे, आप 8 क्लास में हो तो आप 10/3 ही इसको लिखो, ऐसे इसका आंसर 10/3 ही देता है, +10/3। मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो किधर गया इसका आंसर, इसका कहाँ है, 10 ±10/3 दिया हुआ है, तो +-10/3 ही लिख लेते हैं, ठीक है, +-10/3 इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-10/3, ठीक है गाइस आंसर। और ऐसा क्यों हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने खास आपके लिए रखा है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स, ध्यान देना ये 3 √√x नहीं है, ये क्यूब है, मैंने पहले भी कहा था कि क्यूब को इस तरह से डिवाइड करते हैं, रूट अंडर यहाँ 3 लिखते हैं, इंडिसेस 3 लिख देते हैं, तो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स है, ये 1/3 √√x नहीं है, आ रही बात समझ में। तो इसका फिर कितना जाएगा, +-10/3 ये आंसर हो जाएगा, केवल प्लस मत लिखना, ध्यान देना ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो +-10/3 लिखना जरूरी है, केवल आप +10/3 लिखकर नहीं भाग रहे हो, इतना जगह भी बच गया। सो चलो आगे बढ़ते हैं, ये लेवल 1 का ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन हम लगभग हर बना लिया, आप जो बचा हुआ आप प्लीज उसको बना लेना, खुद से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि लिस्ट 4 डिजिट नंबर कौन है इस वर्ल्ड में, 1000 यही सबसे लिस्ट है, लिस्ट 4 डिजिट नंबर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, आ रही बात समझ में, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, ये तो 10√10 का स्क्वायर है, आ रही बात समझ में, 100 × 10 तो ये तो ये इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, इंटीजर का जो स्क्वायर आपस में ही होता है ना, बात समझ में आ रही है, जब कोई नेचुरल नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना मैं नेचुरल नंबर की बात, मैं किसी भी नंबर की बात नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करने, कोई रैशनल या फ्रैक्शन इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, जब किसी नेचुरल नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। नंबर्स कई प्रकार के होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, रियल में भी कई सारे सब ग्रुप्स होते हैं, इस चीज को जानने के लिए आप पहला क्लास देख सकते हो एलसीएम एचसीएफ एंड रियल नंबर्स का, रियल नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो जो नंबर सबसे निकट में होगा, जो ऐसा नंबर जो सबसे निकट में 1000 के होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है 1024, देखो तो ये सबसे निकट भी है और ये 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 ही तो होता है, ठीक है, हमारा ये पहला। अब आपको कैसे पता चला, ये भी तो हो सकता है 1016, क्योंकि ये तो 1000 के और भी निकट है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप समझो बात को, क्योंकि देखो अब 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर 1 36 9 961 होता है 31 का स्क्वायर, और उसके बाद 32 का स्क्वायर कितना 1024, बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो 1016 तो नहीं होगा, 1036 तो 1024 से बड़ा ही हो गया, और 1044 भी 1024 से बड़ा ही हो गया, और 1024 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है,
है, तो हमें आंसर मिल गया। अरे बात समझ में। इसके बाद हमें यही परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, आसान है भी, लेकिन इसमें कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। दरअसल यहाँ दिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इफ 3 × x − 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 507 देन x कैन बी। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं कि x − 2 द स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 507/3। फाइव यहाँ नीचे 3 आएगा और 3 को डिवाइड कर, 507 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 × 3 = 18, 3 × 9 = 7 इतना आएगा। और x − 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो एक ये भी तो हो सकता है, ध्यान देना, x − 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू −13 का स्क्वायर भी तो देगा गाइस, −13 का स्क्वायर भी तो 169 देगा। मैंने कहा था ना कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता है, क्यूब में नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। तो इसमें दो चीज पहलू बन गया कि x − 2 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा, लेकिन x − 2 का होल स्क्वायर −13 का स्क्वायर भी तो हो सकता है, क्योंकि ये भी तो 169 देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x − 2 = 13 आ जाएगा और x = 15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो तो x − 2 = −13 आएगा और x = क्या आ जाएगा, −13 + 2 − 11 आ जाएगा। तो x के क्या हो गए, दो दो वैल्यू आएंगे, ठीक है, एक तो x = 15 आएगा, एक x = 11 आएगा, और दोनों सही हैं, दोनों वैल्यू सही हैं। तो अगर ऑप्शन में रहता 15 − 11 बोथ ए एंड सी एंड नन ऑफ दिस, तो बोथ ए एंड सी मारते, बोथ 15 and 11 − 11 आर द करेक्ट आंसर फॉर एक्स। तो यहाँ पर तो केवल 15 ही दिया हुआ है, माइनस 11 नहीं दिया हुआ है, तो केवल यहाँ 15 माइनस 11 भी इसका आंसर होगा। ध्यान देना, मैं यही चीज बताना चाहता हूँ जेई के लिए कि आप छोटी छोटी चीजों को जरा समझो, ठीक है। ये जब स्क्वायरिंग हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे भी मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि x − 2 = +−13, तो एक बार +13 लेते तो x बराबर कितना आता, x बराबर 15 आता, एक बार −13 लेते तो x बराबर कितना आता, −11 आता, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए ये अलग से लिखा है, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू सही है x के, x बराबर 15 भी होगा, x बराबर −11 भी होगा, तो इसलिए मैंने ये सवाल लिया था। प्लीज प्लीज इसको हमेशा याद रखना। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यू इंजॉय कर रहे होंगे आप। द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना 220 सो डेट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो मुझे पता तो इतना चल गया कि ये जो परफेक्ट क्यूब निकलने आ रहा है ये 220 से कम होगा, क्योंकि किसी नंबर को हम 220 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर आएगा वो 220 से कम आएगा, कुछ ना कुछ तो कम ही आएगा, और वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि 220 से कौन कौन परफेक्ट क्यूब है इस दुनिया में। तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, नहीं तो बहुत कम हो जाएगा। शुरू से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग 5 से चालू करते हैं। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, और कह रहा है कि वो लिस्ट नंबर बताओ जिसको 220 से सब्सट्रैक्ट करने पर तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 220 के निकट कौन सा नंबर है, 216 ही है, 343 बहुत दूर हो गया, 125 भी बहुत दूर हो गया, तो 216। तो 220 में से कितना घटाएंगे कि 216 आ जाए, 4 घटाएंगे तब ना 216 आएगा, और 216 एक परफेक्ट क्यूब है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 220 में से 4 घटाएंगे तभी 216 आएगा, 216 एक परफेक्ट क्यूब है। और पूछ भी ये रहा है कि द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 220 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, तो 216 इसको बनाना होगा 220 को ना, तो इसमें से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा 4। सो चलिए बढ़िया है, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है फिर सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद उसको बनाना, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा आपको लगेगा कि। और ये सभी क्वेश्चन पियर्सन आईटीजी फाउंडेशन के लेवल 1 और लेवल 2 से चुने गए हैं, तो सबसे पहले आप पूरा एक्सरसाइज आप उसको ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इफ एन इज अ परफेक्ट क्यूब, ध्यान देना, एन इज अ परफेक्ट क्यूब देन एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ एन ओकर्स आर। मैंने कहा था ना कि अगर एन परफेक्ट क्यूब है, एन अगर परफेक्ट क्यूब है तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं, और हर एक प्राइम फैक्टर कितने बार आएगा, कम से कम 3 बार आएगा। जैसे
मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो 64 ले लिया, ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 232 टाइम्स, 216 टाइम्स, 28 टाइम्स, 24 टाइम्स, 24 टाइम्स और 22 टाइम्स। अब देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब तो है ही, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 क्या है, खुद में एक प्राइम नंबर है, तो हमने एक परफेक्ट क्यूब को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, और हर एक प्राइम नंबर कितने कितने थी का पेयर बना, देखो तो 3 बार 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 बार 2 आ रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट 64 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे, यहाँ से एक 2 आएगा, 3 प्राइम नंबर का एक पेयर बन गया, और सभी और यहाँ पर 3 प्राइम नंबर, तो यहाँ से एक लेंगे और यहाँ से एक, तो ये 4 आ जाएगा, और 4 का 64 का क्यूब रूट 4 ही तो होता है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 3 टाइम्स पेयर बनाते हैं, कि 3 टाइम्स जो भी है उसका पेयर बना देते हैं, तो इसमें क्या लिखा कि इफ एन इज ए परफेक्ट क्यूब देन एवरी प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन ओकर्स आर 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स कम से कम आएगा, हर एक प्राइम फैक्टर जो है वो कम से कम 3 बनाना चाहिए, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा 3 का, और जब पेयर ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे कि 66 को ले लो, 66 को देखो तो 66, ठीक है, 33 और ये 3 11, 66 को कह सकते हैं 2 × 3 × 11, ठीक है, लेकिन 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया इसको, लेकिन क्या इसको ये 3 बार आ रहा है, 2 जो है एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आ रहा है, 11 भी एक ही बार आ रहा है, तो इसका कोई 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो और तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, और 66 परफेक्ट क्यूब है भी नहीं, ठीक है, आ रही बात समझ में, 3 का पेयर बनना चाहिए प्राइम नंबर्स का, तभी ना हम उसको कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इफ एन लिव्स रिमाइंडर 1, ध्यान देना एन लिव्स, एन कोई संख्या है और नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए था क्वेश्चन में कि एन नेचुरल नंबर है, इफ एन लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, तो एक चीज के लिए क्या केवल ऑड नंबर्स ही, ऑड नंबर्स को ही 2 से डिवाइड करने पर उनका रिमाइंडर 1 देते हैं, आ रही बात समझ में, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ले लो उसको 2 से डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर 1 देगा, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल 13 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 12 रिमाइंडर 1 आया, ठीक है, आप 133 को डिवाइड करो, तो 133 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना देगा, 2 6 12 रिमाइंडर 1 दिया, 66 इसका क्वेश्चन दिया, तो इसका मतलब ये जो n है ये जरूर ऑड नंबर है, इफ n लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 देन n क्यूब लिव्स रिमाइंडर ऑफ, तो n क्यूब को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर देगा, तो आपको मैंने कहा था ना कि अगर n ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड ही होगा, ठीक है, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर है उसको अगर क्यूब करोगे n इंटू n इंटू n करोगे, उसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो वो जो नंबर आएगा वो खुद भी ऑड ही होगा, तो n क्यूब भी ऑड होगा, और n क्यूब ऑड है तो उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही देगा, आ रही बात समझ में, 1 ही रिमाइंडर देगा, क्योंकि n ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड होगा, ठीक है, मुझे कैसे पता चला एन ऑड है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर 1 दे रहा है रिमाइंडर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो एन क्यूब भी ऑड होगा और एन क्यूब को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ही देगा, तो हमारा आंसर 1 हो गया, ठीक है, अरे समझ में, कोई भी ऑड नंबर ले लो ना, आप नॉर्मल आप 9 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 729, ये ऑड नहीं है, क्योंकि इवन के इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर कौन कौन से डिजिट होने चाहिए, 0 2 4 6 8, लेकिन ये 9 है, तो कोई भी दुनिया का ऑड नंबर ले लो उसका क्यूब करने पर ऑड ही आएगा, और क्योंकि ऑड आएगा तो उस नंबर को उस क्यूब को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ही देगा, ये चीज। अब आते हैं आगे, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स, ध्यान देना, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स, होल नंबर्स किसको कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, सच दैट ए टू द पावर बी इज इक्वल टू 512, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, एंड बी का जो वैल्यू है और 1 से 4 के बीच में है, और बी जो है 1 के बराबर नहीं है और नहीं 4 के बराबर है, लेकिन 1 से 4 के बीच में कोई नंबर है बी, ठीक है, यहाँ अगर इक्वालिटी साइन दिया नहीं है इसका मतलब 1 के बराबर नहीं हो सकता और बी नहीं 4 के बराबर हो सकता है, देन पूछ रहा है कि बी रूट ऑफ ए, ठीक है, ये इसको क्या पढ़ेंगे,
बी रूट ऑफ ए पढ़ेंगे। अगर यहाँ थ्री होता तो बी की जगह थ्री होता तो हम क्या पढ़ते, क्यूब रूट ऑफ ए। अगर यहाँ टू होता बी की जगह तो क्या पढ़ते हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ ए। लेकिन यहाँ बी का वैल्यू नहीं पता है तो हम अब पता करेंगे कि ए और बी है क्या। अब ध्यान दो, 5 to the power 12, एक चीज आपको याद है, मैंने इसलिए कहा था कि प्लीज याद करना क्यूब सबका। 8 to the power 3 को ही तो 5 to the power 12 लिखते हैं, 8 का क्यूब ही तो 5 to the power 12 होता है, इसका मतलब ये हुआ। और स्क्वायर में कभी भी 5 to the power 12 कौन सा स्क्वायर ऐसा करते हैं तो 5 to the power 12, किसी भी स्क्वायरिंग के 5 to the power 12 नहीं आता, क्योंकि बी का वैल्यू, एक चीज ध्यान देना, हेलो, एक चीज ध्यान देना, ए और बी होल नंबर से तो, और बी का वैल्यू 1 to 4 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं दिया हुआ है। इक्वालिटी साइन कैसे देते हैं, अगर ऐसे दिया रहता तो हो सकता था कि बी 1 to 4 के बराबर हो, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बी या तो 2 हो सकता है नहीं तो 3 हो सकता है, क्योंकि कह दिया है कि ए और बी होल नंबर है, तो बी या तो 2 हो सकता है नहीं तो 3 हो सकता है। आ रही बात समझ में, अब 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी का स्क्वायरिंग हो रहा है, या तो ये ए का स्क्वायर हो सकता है नहीं तो ए का क्यूब हो सकता है, और ए खुद में एक होल नंबर है, ठीक है। और आ रही बात समझ में, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायरिंग करने पर 5 to the power 12 आता है, ऐसा कोई नंबर लगभग मुझे तो नहीं लगता है, कोई नंबर है जिसका स्क्वायरिंग करने पर क्या आता है 5 to the power 12 आता है। सो मैं यही कह रहा था कि या तो ए स्क्वायर इसका आती है या ए क्यूब है, क्योंकि बी का वैल्यू 2 हो सकता है नहीं तो 3 हो सकता है, और 2.1 नहीं हो सकता, 3.1 नहीं हो सकता है, क्योंकि बी जो है वो होल नंबर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। और प्लस में आप ये भी समझो ना कि अगर ए भी एक होल नंबर है तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायरिंग करने पर 5 to the power 12 आता है, कोई भी नहीं। देखो तो 22 का स्क्वायर करने पर ध्यान देना, 22 का स्क्वायर करने पर कितना देता है 484 देता है, 23 का स्क्वायर करने पर कितना देता है 529 देता है, तो कहीं भी 5 to the power 12 आया, क्योंकि 5 to the power 12 इसी के बीच में होगा, 484 और 529 के बीच में, तो स्क्वायरिंग वाला तो पॉसिबिलिटी हट गया। अब क्यूब में आते हैं तो ध्यान देना, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 5 to the power 12 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। देखो तो यही होगा पॉसिबिलिटी, 8 का क्यूब 5 to the power 12 आ गया, तो इसका मतलब, और 8 भी एक होल नंबर भी है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बी तो पहले, बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको पहले से पता कि बी या तो 2 हो सकता है नहीं तो 3 हो सकता है, लेकिन 2 का पॉसिबिलिटी हट गया, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो आना चाहिए इतना दिया हुआ है, तो हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब भी 5 to the power 12 लेता है, मैंने शुरू में भी लिख दिया था। तो अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना था वैल्यू बी रूट ऑफ ए निकालना था, तो इसको बी कितना है 3 है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया ये, और क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2 होता है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8। तो ये हो जाएगा, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है शायद, या लेवल 3 का, अब इसको फिर से देखना, फिर से समझना। तो वीडियो 22 मिनट का हो गया है, तो एक मिनट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर है, ये मैं सीरीज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने मेन मेन क्वेश्चन अति कर लिए हैं इसमें, तो इसी को करा लेता हूँ। ये क्या कर रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 53 तक क्यूब रूट निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप बच्चों की तरह इसका सम निकाल लो, और जो भी है इसका क्यूब रूट निकाल लो। ध्यान देना, ये 3 into नहीं है, ये क्यूब रूट है, यहाँ 3 ऐसे अंदर में लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 53 है। तो मैंने कहा था ना कि एन स्क्वायर, एक चीज मैंने आपको पढ़ा था पहले, चीज एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बताया था इसके लिए, कि मैंने कहा था एक चीज किधर गया, हाँ, एन स्क्वायर कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर दिख रहा है, ये 1 + 3 + 5 + ये सभी ऑड नंबर है, और ये सभी सम है सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो इनको हम एन स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में, जैसे 1 + 3 को क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 1 + 3 + 5 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 को क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 53 को कितना का स्क्वायर लिखेंगे कोई बता सकता है? तो एक चीज पहले देख लो कितना टर्म है, क्योंकि जब दो टर्म होते हैं ऑड नेचुरल नंबर के तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 टर्म है इसमें तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 टर्म है तो 4 का स्क्वायर हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो एक चीज पता करो कि 1 to आपका 10 तक कितने टर्म होंगे, 1 3 5 7 9 4 टर्म होंगे,
फिर 10 से 10 टू 20 तक कितने टर्म होंगे, फिर चार टर्म होंगे 11, 13, 15, 17, 19, 19 भी ऑड नेचुरल नंबर ही है, रुक जाओ हम एक मिनट, 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें पांच टर्म होंगे। 1 टू 10 में कितने और नेचुरल नंबर आएंगे, 5, 10 टू 20 में कितने और नेचुरल नंबर आएंगे, 5, फिर 20 टू 30 में कितने और नेचुरल नंबर आएंगे, 5 आएंगे, फिर 30 टू 40 में कितने और नेचुरल नंबर आएंगे, 5 आएंगे, फिर 40 टू कि 50 में कितने और नेचुरल नंबर आएंगे, 5 आएंगे, और फिर 50 टू 53, क्योंकि 53 तक ही जाना है, आगे मत बढ़ना, 60 तक मत कर देना, 50 टू 53 में कोटने, तो 51 एक ऑड नेचुरल नंबर है और 53 भी ऑड नेचुरल नंबर है, तो 2 आ जाएंगे। तो अब काउंट करो, 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 2, 27, इस सबको काउंट करो, कितने अथी हैं इसमें टर्म्स हैं, कितने मैंने क्या काउंट किया, 27 आया, 27 इसका मतलब क्या, 27 कि इतने 27 और नेचुरल नंबर को इसमें सम किया गया है। ध्यान दो, आ रही बात समझ में, 1 टू 10 तक कितने और नेचुरल नंबर हैं, 5 हैं, फिर 10 टू 25, फिर 20 टू 35, फिर 30 टू 45, फिर 40 टू 55 और नेचुरल नंबर है, और 50 टू 53, फिर 2, तो ऐसे करते करते 25 प्लस 2 27 और नेचुरल नंबर है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ये चीज, ये और कुछ नहीं बल्कि 27 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे बस समझ में, 27 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और चूंकि इसका क्यूब पहले से क्यूब लिखा हुआ है, यानी हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर, यही निकालना है, बस समझ में आ रही है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट देखो निकाल दिया बिना सम किए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 का स्क्वायर के पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट को और कुछ नहीं होता है बल्कि 1/3 होता है नंबर का। और देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को ध्यान देना, 27 को क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब का स्क्वायर और 1/3 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, 27 का क्यूब, 27 के स्क्वायर का क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3 का स्क्वायर, ये बचा, ये कितना गया, 9 आ गया, ठीक है, 9 हमारा आंसर हो गया। अब कई लोगों को पता नहीं चलेगा, तो क्या करना आप, कि कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 27 का होल स्क्वायर है, तो क्या करना इसमें सीधा, कि 27 का स्क्वायरिंग कर देना, कितना, 77 के हाथ में रहा 4, 7 14, 7 14 28 और 4 32 के तुम हाथ में रहा 3, और तो 4 और 3 7, तो 700 ये कुछ नहीं बल्कि 729 का क्यूब रूट दिया हुआ है, और 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है, तो ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ इंडिसेस का प्रयोग किया है, इस मेथड में मैंने इंडिसेस का प्रयोग किया, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हो गया है। अरे समय, 27 का होल स्क्वायर कैसे लिखा मैंने, तो इसमें कुल 27 ऑड नेचुरल नंबर्स थे, तो 27 का स्क्वायर कैसे, मैंने यहाँ दो टर्म है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 टर्म है तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो इसमें 27 टर्म्स है, तो इसमें 27 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्यूब रूट 27 लिख दिया, और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, तो 729 का क्यूब रूट हो जाएगा, और क्यूब रूट 729 कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि 9 × 9 × 9 ही तो 729 होता है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ 9 फोर्थ ऑप्शन सही है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, आगे और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, सो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और भी सब प्लेलिस्ट बनाया हुआ, काइनेमेटिक्स डायनेमेटिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है, फिर एलसीएम रियल नंबर एलसीएम एलसीएम पूरा बनाया हुआ है, अभी स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट चल रहा है, सो आगे सो जाके देखो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।